चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी एवं भाजपा नेत्री बंतो कटारिया ने कहा कि आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। उन्होंने भी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि अंबेडकर जयंती के दिन सभी लोगों को उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर ने देश को ऐसा संविधान दिया जिसमें शिक्षा, बेरोजगार, महिलाओं, समर सत्ता और सामान्य वर्ग के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक दिया है। बंतो कटारिया ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के दिए गए संदेश शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित बनो के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं किसानों को लेकर उन्होंने यही कहा कि संविधान के अनुसार किसानों को अपना अधिकार लेने का हक है, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिलता है कि किसी भी कार्यक्रम में जाकर वे तोड़फोड़ करें या हंगामा करें। इसके लिए उन्हें इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए। आज भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। इसमें पूरे भारतवर्ष को और हरियाणा वर्ष को मैं बधाई देना चाहूँगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो शख्स है जिन्होंने शिक्षा, बेरोजगार, महिलाओं और समरसता और सामान्य वर्ग के लिए सबके लिए संविधान में कुछ न कुछ दिया है। और आज हमने ये अपना विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी लगाई और उनका मूर्ति पर फूलों का पुष्प अर्जित भी किए और सीएम साहब और स्पीकर साहब ने जयंती भी मनाई। तो इसी उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति मैं कहती हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लगनी चाहिए कि जिस चीज़ को हम आज ये कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे। क्योंकि संविधान और शिक्षा में जब हम 130 वर्ष पहले हमारे यहाँ बहुत वो था, तो उस समय एक दलित परिवार में जन्म लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये पूरे देश के लिए एक मैसेज था जो आज हम इसको देखकर आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम व्यक्ति है उसको आगे लाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से। ऐसा सीएम साहब की कोई और मीटिंग आ गई होगी, कोई और व्यवस्था हो गई होगी, इसलिए नहीं जा पाए। आज नहीं तो कल सीएम साहब जाके वहाँ मूर्ति का अनावरण कर देंगे। ये तो अगर सीएम साहब जी ने ही करना है तो सीएम साहब ही करें। किसानों को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से समझना चाहिए कि किसानों को भी जो राइट दिए हमारे। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।